नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं शरद बाघेला। एक्सप्रेस स्पेशल में आज हम बात करेंगे उन तमाम मुद्दों को लेकर जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपसे और हमसे जुड़ा रहता है। बात करते हैं बलरामपुर जिले की, जहां पर रामानुजगंज वन परिक्षेत्र में लकड़ी तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि वो खुलेआम वनों से लकड़ी चोरी कर रहे हैं। वन विभाग की गहरी नींद की पोल उस समय खुल गई जब पुलिस को पता चला कि रात के अंधेरे में एक पिकअप वाहन साल वृक्ष की मोटी मोटी इमारती लकड़ियां लेकर तस्कर भाग रहे हैं। सूचना पर रामानुजगंज पुलिस की गश्त में निकली टीम ने पिकअप वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तस्कर के पिकअप की रफ्तार और बढ़ा दी और पिकअप वाहन की रफ्तार इतनी तेज बढ़ गई कि वाहन चालक ने नियंत्रण खो दिया और सड़क के किनारे पलट गया। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वन विभाग के अमले पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इतने बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की जा रही है और बाकायदा वाहनों के जरिए बेखौफ परिवहन किया जा रहा है। पिकअप में साल की लकड़ी तस्कर लोग परिवहन कर ले जा रहे हैं करके सूचना पे हमारा स्टाफ के दबिश दिया गया, जिसमें वाहन चालक ने तेज रफ्तार से चलाते हुए रास्ते में उसको पलटा कर फरार हो गया, जिसको जब्ती कर कार्रवाई की जा। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सुनील पासवान जुड़ चुके हैं। सुनील, जिस तरह आप साफ वीडियो में देखते हुए जाहिर हो रहा है कि जो लकड़ी तस्कर है वनों की अवैध कटाई करते हैं और धड़ल्ले से उसका परिवहन कर रहे हैं, ऐसे में क्या वन विभाग सोया हुआ है? उनकी ठिकानों पर जूं क्यों क्यों नहीं रेंग रही है? समय लकड़ी की कटाई के साथ साथ तस्करी भी की जा रही है, लेकिन वन विभाग एकदम मौन है और इनको किसी चीज की कोई जानकारी नहीं रहती है, जबकि वन विभाग का काम था और यहाँ पास पुलिस की टीम को सूचना मिल रही है मुखबिर के माध्यम से कि वाहन पिकअप में लकड़ी लेकर जाया जा रहा है और पुलिस 10 की टीम ने वाहन लकड़ी को पकड़ रहा है, जबकि एकदम मौन देखा जाए तो एकदम वन विभाग की टीम जो है एकदम मौन है। जी, क्या लगता है ये जो कल का जो मामला बता रहे हैं कि जो बलरामपुर में जो वाहन पलट गया है, तस्कर ले जा रहे थे, तस्कर भागने में सफल हुआ, तो क्या पुलिस उस तस्कर को पकड़ने की कोशिश कर रही है? क्या गाड़ी के आधार पर कहां तक खोजबीन कर चुकी है तक पुलिस? जी, पुलिस काफी खोजबीन कर रही है, गाड़ी की वाहन की नंबर को लेकर काफी प्रयास कर रही है मुखबिर को खोजने में, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई। क्या लगता है जो वाहन की हम बात करें, जिस वाहन से लकड़ी का अवैध तस्करी की जा रही थी, उस वाहन के आधार पर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? जी, मैं बता दूं कि जो वाहन है, वाहन का जो नंबर प्लेट है, उसमें जब मैंने खबर को बना रहा था उस समय देखा जाए तो काफी मतलब लग रहा था कि रात्रि में ही उन्होंने गाड़ी का नंबर लिखा है और लगता है कि ये गाड़ी का नंबर फाल्स है और उसकी पुलिस उसकी खोजबीन कर रही है। क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार ऐसा सुनने में आया कि बलरामपुर का जो वन परिक्षेत्र है, तो हमारे साथ तो वायस ध्रुव जी जो रेंजर है वो जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, जिस तरह हम एक खबर दिखा रहे हैं बलरामपुर की, जहां पर जो वाहन तस्कर जो लकड़ी का परिवहन कर रहे हैं, अवैध रूप से वनों की लकड़ी को काट कर ले जा रहे हैं, उन लोगों की गश्ती के दौरान अपने पकड़ने की कोशिश भी की थी विभाग के लोगों ने, वाहन पलट गया, लेकिन अब तक वो आरोपी गिरफ्त से बाहर है, क्या कुछ पूरा मामला है ये? सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जी बताइए बताइए। शायद हमारा संपर्क उनसे हो नहीं पाया है, हमारे साथ लगातार पासवान जुड़े हुए हैं। पासवान, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो लकड़ी का बड़ी मात्रा में काटे जाने का सिलसिला है वो पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार बलरामपुर के जो जंगल है वहां से लकड़ी के जो तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं, वो लगातार लकड़ी चोरी करने का सिलसिला जारी रखते हैं, तो क्या लगता है इस चीज को देखते हुए, क्या लगता है कि वन विभाग हाथ पैर धरे क्यों बैठा हुआ है? कि काफी इनको हमेशा सूचना मिलते रहती है कि क्या कहते हैं फलने गांव में लकड़ी की कटाई हो रही है, लेकिन कभी भी वन विभाग की टीम इस पर अमल नहीं कर रही है, और जबकि इनको अमल करना चाहिए था। काफी क्षेत्र में लकड़ी की कटाई भी हो रही है, अभी फिलहाल में ही कुछ लकड़ियां कटाई गई थी, लेकिन उस पर भी किसी प्रकार की कोई। बलरामपुर से ऐसा ही ललित यादव जी जुड़ चुके हैं। ऐसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। सर, आपसे एक चीज जानना चाहिए, जिस तरह हमें खबर दिखा रहे हैं कि जो तस्कर है, लकड़ी के तस्कर है, वो लगातार पिकअप वाहनों से लकड़ी का अवैध परिवहन कर रहे हैं, ऐसे में ये मामला पहली बार का नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है, तो पुलिस अब तक इनके गिरोह तक क्यों नहीं पहुंच पाई है? सर, हमको ये रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर सूचना मिले कि पिकअप में जी ये साल लकड़ी को परिवहन किया जा रहा है जी, तो उसी दौरान हमने
पूरे स्टाफ को लेके जी पे एम्बुश की कार्रवाई करते हुए उक्त वाहन को रोकने के प्रयास किया जी, किंतु पुलिस के वाहन को और पुलिस को देख के वाहन चालक ने तेज रफ्तार चलाते हुए किनारे में जहां गड्ढा है वहां पे ले जाके इन्होंने गाड़ी को पलट दिया और ड्राइवर फरार हो गया। और जब उसमें तस्दीक किया गया तो पिकअप में कुछ भरी हुई लकड़ी मिली जिन्होंने वन अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए फॉरेस्ट विभाग को सूचना देकर उनको तलब पर बुलाकर कार्रवाई की गई है। सर ठीक है, आपने कल ये कार्रवाई की, अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले भी कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी है जिसमें जो इस बार तो उसने वाहन छोड़कर भाग गया, लेकिन पिछली बार तो कई बार ऐसा हुआ है कि वो जो लकड़ी का जो सारा माल है वो लेकर फरार हो जाते हैं, उनको पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित होती है। हम वन विभाग की बात करें, पुलिस हमले की बात करें, तो ये जो धंधा इनका चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, इस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? लगातार हमने पुलिस की जो कार्रवाई है वो लगातार गश्त सर्चिंग जारी है और हमने जितना प्रयास हो रहा है पकड़ के ही कर रहे हैं, कार्रवाई अंकुश किया जा रहा है और पुलिस विभाग से लगातार हमने अंकुश किया कर रहे हैं जी। क्या माना जाए कि जिस तरह अवैध जो तस्करी का काम किया जा रहा है लकड़ी का, वो कब तक बंद हो पाएगा? किस तरह पुलिस इनमें खौफ पैदा कर पाएगी? क्या लगता है ये कब तक हो सकता है ऐसा? ये लगातार हमारी प्रयास जारी है और संभवतः हो सके खौफ पैदा करके लकड़ी तस्करों को अवैध रूप से जो तस्कर कर रहे हैं उसमें अंकुश लगाने में कामयाब हो रही है। चलिए बहुत धन्यवाद ललित इस तमाम जानकारी के लिए। और हमारे से हम बता रहे थे कि वाहन पलटने के कारण जो लकड़ी है वो रास्ते में गिर गई और इसमें जो ललित यादव ने आश्वासन दिया है कि हाँ आने वाले समय में वो इस पर नकेल कसने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील पासवान भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।